अगर आप लोग एक अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट बना रहे हो तो आज मैं आपको एक ऐसा प्लगइन बताऊंगा जो कि फ्री भी है, और मेजर प्रॉब्लम जो होती है अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट बनाने टाइम वो ये होती है कि प्राइसिंग चेंज हो जाती है। अमेज़न पे अलग प्राइसिंग हो जाती है, आपकी वेबसाइट पे अलग प्राइसिंग हो जाती है, तो देर इज़ अ मिसमैच इन प्राइसिंग। ये प्लगइन उसको भी अपडेट कर देगा आपके लिए, ऑटोमेटिकली इमेजेस भी फेच कर लेगा एंड इट लुक्स गुड एज वेल। तो अगर आप लोग अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट बना रहे हो, दिस इज़ द वीडियो दैट यू शुड वॉच, क्योंकि ये प्लगइन फ्री में अवेलेबल है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं वर्डप्रेस से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग जिस प्लगइन के बारे में बात करने वाले हैं वो एक अमेज़ॉन एफिलिएट प्लगइन है, एंड ये आता है होस्टिंगर होस्टिंग की तरफ से। तो ये फ्री है उन लोगों के लिए जो लोग अभी होस्टिंगर होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करना चाहते हैं या दे आर प्लानिंग टू बाय अ होस्टिंग। नाउ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि जो इनका फ्री अमेज़ॉन एफिलिएट प्लगइन है वो सिर्फ इनके बिजनेस प्लान और उसके ऊपर वाले प्लान्स पे अवेलेबल है, प्रीमियम और सिंगल प्लान्स पे वो नहीं मिलेगा, सिर्फ बिजनेस प्लान पर है। बिजनेस प्लान पे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे और भी फीचर्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी एसेंशियल है इफ़ यू आर वर्डप्रेस यूज़र, एंड अमॉन्ग दोज फीचर्स एक है हमारा फ्री अमेज़ॉन एफिलिएट प्लगइन। तो इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको क्विकली बताता हूँ बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे हुए। वी जस्ट गो इन टू द डैशबोर्ड, ये आपका डैशबोर्ड रहेगा, होस्टिंगर का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आपको और जानना है होस्टिंगर के बारे में, इसके ट्यूटोरियल चाहिए, फ्री थीम्स चाहिए, प्रीमियम थीम्स अगर आपको फ्री में चाहिए तो वो सब मैं आपको फ्री में दे दूंगा। उसके लिए आपको होस्टिंगर होस्टिंग को परचेज करना पड़ेगा फ्रॉम माई लिंक, नीचे लिंक रहेगा go.kripeshadvani.com/ho/hostinger, वहाँ से परचेज कर लोगे। इसके बारे में मैं और आगे बताता हूँ। फिलहाल जैसे ही आप लोग यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाओगे, इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यू विल गो टू वर्डप्रेस, वर्डप्रेस जैसे ही आपके यहाँ पे इंस्टॉलेशन रहेगी, ओवरव्यू पे जाना है आपको, एंड देन यहाँ नीचे सजेस्टेड प्लगइन्स पे आपको दिखेगा होस्टिंगर अमेज़ॉन एफिलिएट कनेक्टर, इसको आपको कर देना है इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद आपको आ जाना है वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर। एक बार मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा, ये रहा हमारा होस्टिंगर अमेज़ॉन एफिलिएट प्लगइन। अब जाना है आपको होस्टिंगर, यहाँ पर आपको दिखेगा ये होस्टिंगर ऑप्शन ये जो दिख रहा है। यहाँ से अब हम लोग हमारे अमेज़ॉन एफिलिएट प्लगइन को कनेक्ट करेंगे अमेज़ॉन एफिलिएट पैनल से, ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन एपीआई के थ्रू फेच कर पाए। इसके लिए वी विल गो हियर अमेज़ॉन एफिलिएट, इस तरह से आपको ये पैनल दिखेगा। एपीआई स्टेटस अभी डिसकनेक्टेड है तो यहाँ पर आपको आपकी एपीआई कनेक्ट करनी पड़ेगी अमेज़ॉन एफिलिएट के थ्रू। तो वी विल गो टू सेटिंग्स, यहाँ पर आपको अमेज़ॉन एफिलिएट पे एपीआई की और सीक्रेट यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। उसके लिए आपको अमेज़ॉन एफिलिएट प्लगइन अपने पैनल पे जाना है अमेज़ॉन एसोसिएट्स के। यू विल गो टू टूल्स, टूल्स के बाद प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग एपीआई, यहाँ पे आ जाना है आपको, एंड यहाँ से वी विल क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल्स। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ दो ही क्रेडेंशियल्स यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। आई विल क्लिक ऐड क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पे एक्सेस की और सीक्रेट की मुझे मिल गई है, तो एक्सेस की को जाना है, कॉपी करना है, पेस्ट, सीक्रेट की पेस्ट, कंट्री में यहाँ पर .in, क्योंकि मैं इंडिया को टारगेट कर रहा हूँ। अगर आप लोग यूएस को टारगेट कर रहे हो तो amazon.com सेलेक्ट कर लो। उसके बाद जो आपकी ट्रैकिंग आईडी है, जैसे ये रही मेरी यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी एक, जो मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं करी है, तो आई विल गो हियर, यहाँ पर हम लोग हमारी ट्रैकिंग आईडी ऐड कर देंगे, एंड देन विल क्लिक सेव चेंजेस। अब अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन ठीक रहेगी तो ये कनेक्ट हो जाएगा, एपीआई स्टेटस कनेक्टेड, कौन सी ट्रैकिंग आईडी है उससे भी इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। नाउ विल गो टू पोस्ट, ऑल पोस्ट, एंड विल क्लिक ऐड न्यू पोस्ट, यहाँ पर अमेज़ॉन एफिलिएट, यहाँ पर आपको ब्लॉक इंसर्ट करना है, ब्लॉक पे ये लिंक अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स ये दिख रहा है आपको, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोग यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं, कंपैरिजन टेबल भी कर सकते हैं। तो पहले सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, आई क्लिक सिलेक्ट, यहाँ पर उसका ASIN डाल दो, या फिर यू कैन जस्ट सर्च फॉर द प्रोडक्ट एज वेल ऑन अमेज़ॉन। तो अभी के लिए फिलहाल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, लेट्स सर्च डैश कैम, एक ही वाला डैश कैम आ चुका है, वेल सिलेक्ट कन्फर्म सिलेक्शन, और उसके बाद ये सारी चीज़ें मेरे लिए ले आएगा। ये देख रहे हो इमेज यहाँ से उसने उठा दी है, जो लेटेस्ट वाली इमेज है वो आ चुकी है यहाँ पर, प्राइस उसने ले लिया है नया वाला, और अगर इसको आप लोग चेंज करना चाहो तो यू कैन हैव योर एडिशनल CSS एज वेल। यहाँ पर किसी को डेवलपर या फिर किसी डिज़ाइनर को हायर करके यू कैन जस्ट स्टाइल इट इन योर ओन वे, बट मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में इट इज़ गुड। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ सिंगल प्रोडक्ट, और इसके बाद यहाँ पर आपके पास टाइटल की सेटिंग्स है, डिस्क्रिप्शन की सेटिंग्स है, यू कैन हैव बाय बटन में कुछ अगर आपको और लिखना है तो बाय नाउ, इस तरीके से यू कैन हैव इट, और इसके बाद प्रीव्यू करोगे तो ये ऐसा दिखेगा। इसी तरीके यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, तो वापस से मैं ऐड करता हूँ लिंक अमेज़ॉन प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स की अगर मुझे लिस्ट देनी है तो आई अगेन सिलेक्ट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन बेस्ट सेलर्स, ठीक है, यहाँ पर जो भी बेस्ट सेलर्स हों डैश कैम के लिए मुझे वो आप दे दो,
कंटिन्यू, किस तरह से लिस्ट चाहिए, लिस्ट विद डिस्क्रिप्शन, सिंप्लीफाइड या हॉरिजॉन्टल कार्ड्स, इसमें भी मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिस्ट विद डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। यहाँ पर डैश कैम की मेरे पास लिस्ट आ चुकी है, तो जो भी अमेजोन पे बेस्ट सेलर्स रहेंगे ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा डैश कैम में जो भी बेस्ट सेलर है। बेस्ट सेलर नंबर वन ये है, बेस्ट सेलर टू ये है, बेस्ट सेलर थ्री ये है, तो इसने ऑटोमेटिकली फेच करके यहाँ पे लिस्ट मुझे दे दी है। अब चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसके फॉर्मेट्स भी चेंज कर सकता हूँ कि जैसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स, इसके अंदर लिस्ट में जाऊँगा मैं और टेम्पलेट्स एंड स्टाइल्स, लिस्ट विद डिस्क्रिप्शन, इसको सिंप्लीफाई लिस्ट कर देता हूँ मैं, तो इस तरीके से आ जाएगा। प्रीव्यू करने पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो खास बात है वो इसका ऑटोमेशन ही है कि वो एपीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन ये सारी फेच कर रहा है, बेस्ट सेलर्स खुद फेच कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे। जैसे ही अमेजोन पे डेटा चेंज होगा यहाँ पर भी अपडेट होता रहेगा। तीसरा ऑप्शन जो इनका है वो है लिंक अमेजोन प्रोडक्ट्स, आई लॉग इन गो टू कंपेरिजन टेबल, अब यू कैन कंपेयर प्रोडक्ट्स हियर, एड न्यू कंपेरिजन टेबल कन्फिग्रेशन, उसके लिए इनका एक अलग पैनल ही है। तो यहाँ पे वी कैन राइट डैश कैम 2024, कंटिन्यू, सर्च कर लेता हूँ मैं डैश कैम 1, 2 और एक ही वाला, तीन यहाँ पे डैश कैम्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया है फॉर द कंपैरिजन। अब यहाँ पे वी कैन ऐड द हाईलाइट, जैसे कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, बेस्ट कैमरा, बेस्ट अफोर्डेबल, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू, कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी, टाइटल चाहिए, थंबनेल चाहिए, प्राइस चाहिए और अमेजोन का बाय बटन चाहिए। आई विल क्लिक सेव चेंजेस, ओके, यहाँ पे टेबल बन चुका है। अब आई विल अगेन गो टू माय पोस्ट येरी, यहाँ पर एक बार हम लोग इसको रीलोड करते हैं। अब ये बन चुका है, यहाँ पर चूज टेबल कॉन्फ़िगरेशन डैश कैम 2024, कंटिन्यू, एंड दिस इज़ हाउ द कंपेरिजन टेबल विल लुक। ये रहा हमारा कंपैरिजन टेबल, इसके मैं यहाँ पे कलर्स, हाइलाइट्स वगैरह चेंज कर सकता हूँ। मेन चीज़ अगेन ये है कि जो फेच कर रहा है इमेजेस और प्राइस पॉइंट, इट इज़ रियल टाइम जो एक्चुअल में जो यहाँ पे वेबसाइट पर है। तो यहाँ पर एक सिंगल प्लगइन के थ्रू मैं सिंगल प्रोडक्ट को यहाँ पे फेच कर सकता हूँ, यहाँ पर एक लिस्ट फेच कर सकता हूँ ऑटोमेटिकली, एंड देन यहाँ पे कंपैरिजन टेबल भी आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको फ्री बेनिफिट जो मेरी तरफ से मिलेंगे अगर आप लोग होस्टिंग का परचेस करोगे फ्रॉम माय लिंक, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नीचे दिए गए लिंक पे जाओगे go.kripeshadwani.com/hostinger परचेस करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको जो मेरा एक ब्लॉगिंग कोर्स है ये वाला फ्री में मिल जाएगा कि ब्लॉग वगैरह कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आपको लाइटनिंग ब्लॉग्स का कोर्स है ये फ्री में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने बताया कि एक फास्ट ब्लॉग को कैसे बनाना है, कौन कौन से प्लगइन्स का यूज़ करना है, कौन सी थीम्स का यूज़ करना है, किस तरीके से सिक्योरिटी करोगे, स्पीड अप कैसे करोगे, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें यहाँ पर एक्सप्लेन करी है ये वाले कोर्स में। सेकेंड जो मेरा कोर्स है वो होस्टिंगर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहाँ पे मैं बताया कि होस्टिंगर को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि आप लोग शायद से पहली बार यूज़ करोगे, तो वर्डप्रेस कैसे बनानी है, कैशे कैसे यूज़ करना है, किस तरह से इनका वेबसाइट बिल्डर वगैरह काम करता है, वो सब मैंने इस कोर्स में आपको बताया, सारे हिंदी वीडियोज़ हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे फ्री में दूंगा, वो है जनरेट प्रेस की प्रीमियम थीम, यहाँ पर आपको प्रीमियम थीम इनकी फ्री में मिल जाएगी फॉर 1 ईयर। तो आप लोग अपना पूरा एफिलिएट ब्लॉग यहाँ पे इजीली बना सकते हो, अमेजोन एफिलिएट प्लगइन, इनफैक्ट एफिलिएट ब्लॉग नहीं भी बना रहे हो, जो भी ब्लॉग बना रहे हो उस पर आप लोग इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे इस अमेजोन एफिलिएट प्लगइन के थ्रू, एक अच्छी इनकम खुल जाएगी आपके लिए साइड बाय साइड जो भी आपका ब्लॉग है। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में लिख रहे हो उस पर अमेजोन रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप लोग सेटअप कर सकते हो, बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर राइटिंग ऑन समथिंग एज ट्रैवल के बारे में लिख रहे हो, तो ट्रैवल बैकपैक्स देख लो, बेस्ट ट्रैवल बैकपैक्स, वो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट आपके लिए फेच कर लेगा, बेस्ट सेलर की लिस्ट फेच कर लेगा और वो आपके आर्टिकल में डाल देगा ये वाला प्लगइन। तो जो भी लिख रहे हो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि उस पर कैसे मोनेटाइज करके हम इनकम को बढ़ा सकते हैं, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ योर ब्लॉग। कि ठीक है व्यूअर्स गूगल काट रहा है, ठीक है, लेकिन जितने व्यूअर्स वो भेज रहा है उसको मैं किस तरीके से मोनेटाइज कर रहा हूँ, उसको मैं अमेजोन भी बेच रहा हूँ, उसको मैं यहाँ पर अपना कुछ अलग से डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर सकता हूँ, एड्स भी डाल सकता हूँ, तो देखो कि किस तरीके से उसको मोनेटाइज कर सकते हो बाय प्रोवाइडिंग सम एक्चुअल वैल्यू, कि कौन है एंड यूज़र, वो मेरी वेबसाइट को विजिट करने के बाद कौन सी और दूसरी वेबसाइट पर जा सकता है जहाँ से वो परचेज करेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने की कोशिश करो। अब अगर ये सोच रहे हो कि मेरे ब्लॉग पे यहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है बेस्ट फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल का, वो यहाँ पे जाकर आप लोग देख लो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करनी है फॉर फ्री, ताकि आपके ब्लॉग पे यहाँ पे ट्रैफिक आ पाए, एंड देन उसके बाद इस प्लगइन का इंटीग्रेट करके यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी। सो दैट इज इट फॉर दिस वन, अच्छा लगा हो थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।